नमस्ते दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच में है ना, जैसे आज इतने सारे स्टूडेंट बहुत सारे एग्जाम्स को बहुत सारे चीज़ों के प्रिपरेशन करते हैं, तो सच में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गई है, या फिर कहीं ना कहीं कोई एक लूपहोल है, या फिर कहीं ना कहीं है ना हम अपने आप को उस प्लेस पे नहीं रख पाते हैं, या फिर अपने आप को उस तरह से ढाल नहीं पाते हैं। तो एक तो यदि टेक्निकली देखें है ना, तो ऑब्वियसली पहले जितने लोग किसी भी एग्जाम में अपियर्ड होते थे, अभी इवन डबल ट्रिपल मतलब बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग अपियर होते हैं सेम चीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं यदि देखेंगे तो जैसे 10 लोग जहाँ पे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अब वहीं पे यदि 100 लोग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो सेट ऑफ क्वेश्चन और जो एक डिफिकल्टी या फिर जो भी एक है ना अप्रोच पहले जो रहती थी, अब जो रहती है सिलेक्शन में हर एक चीज़ों में वो बदलाव, या फिर वो एक रिलेटिवली बोलेंगे कि पहले से थोड़ा डिफिकल्ट होगा ही होगा। बट इसमें भी दो तीन चीज़ें आती है ना, कि जैसे मान लेते हैं कि मैं किसी कंपटीशन या फिर किसी भी एग्जाम में अपियर होने के लिए है ना एक अपना मन बनाया या फिर कर रहा हूँ, तो फिर है ना कंपटीशन के कारण फिर अपने आप को डीमोटिवेट करना या फिर है ना एक मन में खिंता लाना, ये ज़्यादा उचित नहीं लगता है। यदि आप भी गौर से देखें कि जैसे मान लेते हैं हम किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उसमें इस बात से फिर डरे हुए हैं कि इतने सारे लोग तैयारी करते, इतने सारे लोग है ना अपीयर हो रहे हैं, है ना मेरा तैयारी इस तरह का है उस तरह का है तो कैसे होगा। तो एक मुझे लगता है कि बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। यदि आप किसी भी चीज़ के तैयारी में लगे हैं, तो यदि हम अपना 100% देने का प्रयास करते हैं, जैसे कि यदि आप कल का वीडियो भी आप देखेंगे, तो वही कि कहीं ना कहीं हम जब पढ़ाई करने का वक्त होता है, तो पढ़ाई में मन न लगने के अलावा हमें हर चीज़ों में मन लगता है। हमारी स्थिति परिस्थितियाँ इतनी भारी भरकम दिखने लगती है कि हम बहुत ही चीज़ें है ना एक तरह से डिमोरलाइज हो जाते हैं, या फिर अपना जो एक मोमेंटम हो सकता है, जो एक वेस्ट हो सकता है, वो कहीं ना कहीं अपना एफर्ट परफॉर्मेंस प्रिपरेशन में दे नहीं पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि कंपटीशन वगैरह ऐसा कुछ है नहीं है ना, हालांकि ऐसा सरकमस्टांसेस बना हुआ है, ये बहुत ही हार्ड कंपटीशन का माहौल हो जाता है, बट कहीं ना कहीं यदि आपका मन है ना, आप सोच लिए कि मुझे ये चीज़ करना है, उसमें फिर किसी भी तरह का कंपटीशन जैसा कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि फिर केवल और केवल आप ही होते हैं, आपका ही पूरा का पूरा प्रिपरेशन पे, आपका एफर्ट पे चीज़ें डिपेंड करती है। यदि आप सबसे ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली है ना सबसे ज़्यादा कर रहे मतलब कि आप टॉप में या फिर आप आगे हैं ही, तो जब आप टॉप में हैं आप आगे हैं तो कैसा कंपटीशन। तो उम्मीद है कि इस कन्वर्सेशन का आशय समझ पा रहे होंगे। तो कंपटीशन वगैरह का भाव रखना है ना, ये एक तरह से गलत अप्रोच है। अपने आप का ये एक मेंटालिटी रखना चाहिए कि हम कैसे अपना बेस्ट करें है ना, जैसे रिजल्ट होना ना होना एक स्वाभाविक रहता है, बट जैसे किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन रखना बिल्कुल लाजमी होता है, बट फिर भी यदि हम उसके प्रोसेस को है ना उसको प्रॉपरली इंजॉय जैसे है ना एक्सीलेंट बनने का प्रयास करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई नीट का तैयारी कर रहे हैं, तो है ना जैसे एक जो भी रहता है कि इतना मार्क्स स्कोर हमें करना है, तो एक ध्यान में रहता है और एक बेस्ट है ना, कि जैसे ऐसा नहीं है कि ये केवल एग्जाम तक का ही है। यदि मैं ये बायोलॉजी इन सारे कंसेप्ट को यदि थ्रोली है ना पढ़ता हूँ, तो कहीं ना कहीं काम आएगा। और एक अभी जैसे हम पूरा समय लगा रहे हैं, तो क्यों ना हम अपना बेस्ट समय लगाएं, कहने का ये मतलब हुआ। जैसे मान लेते हैं कोई किसान है, खेती में है ना किसी सीजन में जो भी फसल उगा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देता है कि अब चलो जो होगा देखा जाएगा, यानी अपना बेस्ट देने का प्रयास आदमी करता है। यदि है ना इन स्पाइट ऑफ कि जो भी एक नंबर अचीव करना है, यदि हम उसको प्रोसेस में यदि बेस्ट होने का प्रयास करें, तो ऑटोमेटिकली नंबर्स या जो भी टारगेट्स है वो अचीव होगा ही होगा, है कि नहीं? शायद आप रेजुनेट कर पा रहे होंगे। तो कंपटीशन वाला भाव छोड़कर है ना प्रिपरेशन मोड में है ना कितना हम अपने आप को, जैसे अभी 10% 20% आप एफर्ट डाल पा रहे हैं, तो उसको सीधा डबल ट्रिपल करें, मतलब 100 से भी ज़्यादा एफर्ट आदमी दे सकता है। तो बस पूरा का पूरा एफर्ट का ही है ना हम किस तरह से एफर्ट कर पाते हैं, और वाकई मैंने मेहनत तो करना पड़ता है, कोई ऐसा शॉर्टकट या कुछ नहीं होता है। तो यदि हम बहुत ही रिग्रसली यदि तैयारी करते हैं, पूरी तन्मयता से अपने आप को है ना किसी चीज़ में दे रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली फिर किसी भी तरह का कंपटीशन या कोई ऐसा भाव नहीं रहता है, फिर केवल और केवल आप ही के साथ आपका बेस्ट होने का कंपटीशन रह जाता है ना। तो यदि कंपटीशन का एक्चुअल यदि दार्शनिक व्यू से भी देखें, तो
है ना, खुद को अपने आप को अभी जो हमारी स्थिति परिस्थिति उससे बेहतर बनाना ही अपने आप को है ना चैलेंज करना या फिर कंपटीशन में डालना हुआ, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से हम कंपटीशन कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि कन्वर्सेशन आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।